नमस्कार, 10 का दम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षय नवमी के मौके पर भगवान राम की नगरी में 14 कोस की परिक्रमा जो है वो शुरू हो गई है। रात 2:09 पर परिक्रमा शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले ही श्रद्धालुओं ने राम नगरी की परिक्रमा शुरू कर दी है। 14 कोस की परिक्रमा करीब 42 किलोमीटर लंबी यात्रा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ रामनगरी के शास्त्रीय सीमा की परिक्रमा शुरू की है। इस यात्रा में बच्चे, बूढ़े और युवा सभी शामिल हैं। परिक्रमा पथ की व्यवस्था को लेकर श्रद्धालु भी उत्साहित दिखे और उन्होंने सीएम और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने का उत्सव भी जताया है। रामलला के अस्थायी मंदिर की आखिरी परिक्रमा ऐतिहासिक होगी। पिछले साल में 40 लाख से ज्यादा लोगों ने 14 कोस और 5 कोस की परिक्रमा की थी और एक बार फिर से इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए श्रद्धालु आतुर दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक मान्यता ये है कि 14 कोस की परिक्रमा से जन्मांतर के लिए किए गए पाप का नाश होता है और इसी के साथ ही भगवान की नगरी में परिक्रमा पथ पर जितने पग श्रद्धालु चलते हैं उतना अक्षय पुण्य का लाभ मिलता है। रामनगरी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं और संपूर्ण परिक्रमा मार्ग में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से नजर भी रखी जा रही है। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने परिक्रमा मार्ग पर कैंप लगा रखा है। देखिए, इस पवित्र कार्तिक मास में ये सभी महत्वपूर्ण पर्व बारी बारी से हमारे सामने उपस्थित हैं। उनके लिए सभी व्यवस्थाएं सभी ने सुनिश्चित की हैं। सभी पुलिस प्रशासन के लोग तो इसमें हैं ही, साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं, यहाँ के संत महात्मा हैं, सभी से संवाद हम लोगों ने स्थापित किया है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी अधिकारियों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। जहाँ जहाँ पर सुरक्षा के हित में बैरिकेटिंग करनी है, ट्रैफिक डाइवर्जेंस करने हैं, वो सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, अब ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत सफाई है, बहुत आराम से यात्री सब गढ़ अपना पूरा एकदम भक्त लोग चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, राम जी की कृपा है, राम जी की इच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ, बहुत आनंद आ रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छा है और सफाई भी बहुत बढ़िया है। और हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जरा वहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए। वहाँ की तस्वीरें वाकई मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करना शुरू भी कर दिए हैं। जरा अगर वहाँ पर अगर श्रद्धालु हो तो उनसे बातचीत भी करिएगा। देखिए चांदनी, इस वक्त मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में जो राम भक्त हैं वो आज देखिए चांदनी, इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो राम भक्त हैं वो इस वक्त 14 कोसी परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो परिक्रमा है इसकी शुरुआत सरयू तट पर स्नान करने के बाद होती है और उसके बाद जो राम भक्त देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर पहुँचते हैं वो इस 14 कोसी परिक्रमा में शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं कि करीब 10 से 12 लाख जो राम भक्त हैं वो अभी इस वक्त परिक्रमा कर रहे हैं, जिसके चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी तिथि है। तो ऐसे में यह धार्मिक मान्यता है कि आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या की स्थापना हुई थी और साथ ही साथ सतयुग का शुभारंभ हुआ था, जिसके चलते तब से लेकर अब तक हर वर्ष अक्षय नवमी के दिन अयोध्या की जो 14 कोसी परिक्रमा है उसका आयोजन किया जाता है और इसमें शामिल होने के लिए देश के विभिन्न कोनों से जो राम भक्त हैं वो अयोध्या पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी आस्था और विश्वास के साथ ये जो राम भक्त हैं वो इस वक्त अयोध्या पहुंचे हैं और लगातार कल बीती रात 2:09 पर जो शुभ मुहूर्त शुरू हुआ है अक्षय नवमी का, तब से लेकर अब तक लगातार अयोध्या की परिक्रमा जारी है। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में उमड़े जनसैलाब को देखते हुए पुलिस, पीएसी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के तमाम अधिकारियों के साथ हजारों की संख्या में जवानों को तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरह किसी को कोई असुविधा ना हो। और साथ ही साथ ATS के साथ ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील है और यहाँ पर काफ़ी क्राउड है। तो कुल मिलाकर फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से ये परिक्रमा चल रही है और ये देर रात तक
जारी रहेगी, जिसके चलते अयोध्या में जो भारी वाहन है उनके प्रवेश पर भी रात 11 बजे तक रोक लगाई गई है।